यही किया सब महापुरुषों ने। तो कृष्ण भी भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, करुणा से भरे हुए हैं। तो वो हमें बता रहे हैं कि भाई कभी भी निठल्ले मत बैठना और काम भी ढीले ढाले मत करना, पूरे जोश और जुनून से जुट जाओ उसमें। आप कितना बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो उतना अच्छा करो और फिर देखो कैसा चमत्कार होगा। और ये केवल हमने गीता में नहीं सुना। आप कहेंगे जी गीता में क्या पता ऐसे किसी ने प्रक्षिप्त लिख दिया हो, ये हमने स्वामी जी के जीवन में देखा। स्वामी जी और आचार्य जी जब जिस काम को करते हैं ना, इतने जुनून से करते हैं और पूरा आनंद लेते हैं। मतलब वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल ही खेलते हैं, फिर फुटबॉल खेलते हैं, कुश्ती करते हैं तो बस पूरा उसमें जुट जाते हैं फिर। और जिस समय योग करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं तो पूरा आनंद लेते हैं उसमें फिर। मतलब देखने वाले की भी रूह खुश हो जाती है देख करके, ऐसे जुनून से करते हैं। और जब अपना स्वदेशी का काम भी किया तो इतने जोश जुनून से किया कि जो लोग 100-100 साल से उतना काम नहीं कर पाए वो इन्होंने 10-20 साल में कर दिखाया। तो हम जो भी काम करें तो उसको इतनी उसमें तन्मय होकर के करें, पूरे आनंद के साथ, मस्ती के साथ। ऐसे नहीं कि आधा मन तो कह रहा है कि कर लूँ, आधा कह रहा है कि अपने लिए भी तो कुछ कर, तू कहाँ लगा हुआ है। तो ये हमें ये अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान कृष्ण, बता रहे हैं। मैं नहीं किसी पे भी आक्षेप कर रही हूँ। अगला श्लोक कह रहा है 26 नंबर वाला, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। कह रहे हैं कि ये जो विद्वान है ना, इन लोगों को चाहिए कि बुद्धि भेदम न जनयेत। बुद्धि भेद मतलब बुद्धि को भ्रमित ना करें, जनयेत माने उत्पन्न ना करें, न मतलब नहीं, बुद्धि भेदम माने बुद्धि को भ्रमित, बुद्धि भेदम जनयेत माने उत्पन्न। ये जो योगी लोग हैं जिनको संसार सन्यासी कहता है, जिनको विद्वान कहता है, तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण। कर्म संगीनाम, जो कर्म में लगे हुए लोग हैं उन लोगों के अंदर बुद्धि भेदम न जनयेत, भ्रम पैदा ना करें। बड़ा मैंने सुना ऐसे लोगों को, लोग कहते हैं कि जैसे आपने भी प्रश्न किया और ऐसे बहुत सुना मैंने भी विद्वानों से, अरे भाई कहाँ तुम यहाँ अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, आप लोग तो चलो अपने योग क्षेम के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं हम तो सेवा के लिए काम करते हैं। तो हमारे को बहुत लोगों ने कहा, अरे भाई तुम क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, ये संस्थाएं किसी की नहीं होती हैं, ये सब स्वार्थी लोग होते हैं। जब तक आपके अंदर शक्ति है, जब तक आप खूब काम करते हैं, तब तक तो ये लोग आपको संभालेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे मरने के लिए। यहाँ कहाँ आप अपने मोक्ष के लिए कुछ तो करो। तो फिर उस समय ऐसे मन में आता है कि हाँ कहीं मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ, वो बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है व्यक्ति को। और फिर उसका आधा मन हो जाएगा, वो आधा काम करेगा, आधा उसका मन उधर जाएगा। फिर वो कभी सोचेगा कि मैं इसको छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता हूँ, अब तो मैं ऐसे फंस गया हूँ। तो ये सबके जीवन में होता है, चाहे वो कोई सन्यासी है, चाहे वो कोई गृहस्थी है। तो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये काम तो बंधन का कारण है, आप जो भी काम करोगे उसका फल भोगने के लिए दोबारा आना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको दोबारा नहीं आना चाहते हो तो आप निवृत्त हो जाओ कर्मों से। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं ना, आप उनके जीवन को एक बार टटोल लो कि वो निवृत्त हुए कि नहीं हुए, वो कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप पाएंगे कि वो खुद तो कर रहे हैं काम, चाहे वो उपदेश देने का काम ही क्यों नहीं कर रहे हैं, पर वो भी तो एक काम है ना। चाहे वो पढ़ाने का ही काम क्यों नहीं कर रहे, वो भी तो एक कर्म है ना। और उन्होंने खाना पीना अभी चालू रखा है कि छोड़ दिया, वो भी तो एक काम है ना। जब वो सारा काम कर रहे हैं, अपने आश्रम बना रहे हैं, अपने गुरुकुल बना रहे हैं, अपने संगठन बना रहे हैं, तो फिर दूसरे व्यक्ति को तो बेचारा छोटा सा संगठन चला रहा था अपना घर परिवार, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तो वो सोचता है कि अब
उसका मतलब जो एक इतना सुखी जीवन था घर परिवार में, पत्नी से, बच्चों से, बीवी से, माता पिता के साथ, अब उसको लगता है कि ये मेरे को बांधने वाले हैं। अब मतलब उसके मन को भ्रमित कर दिया। अब ना वो उनके साथ प्रीति पूर्वक जी पा रहा है, और एकांत में ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि वो अपना स्वधर्म है ही नहीं। अपना स्वधर्म तो था गृहस्थ आश्रम वाला, और हमने मतलब उधर कभी इधर कभी उधर, तो ना हम उधर के रहते हैं ना हम उधर के रहते हैं। बड़ा इन्होंने स्पष्ट कर दिया, कर्म संगी नाम, जो कर्म में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। कोई अपना गृहस्थ की कर्म कर रहा है, कोई संन्यास का कर रहा है, वानप्रस्थ का कर रहा है, कोई ब्रह्मचारी का कर रहा है, पशु पक्षी अपना काम कर रहे हैं, चींटी भी काम में लगी है, कौआ भी काम में लगा है। अगर वो सुबह घोंसले से पंख फैला के ना उड़े तो भोजन कहाँ से आएगा। शेर भी अपना काम कर रहा है, उसको शिकार के लिए, हर प्राणी यहाँ पर काम में लगा हुआ है। नदी भी अपना काम कर रही है, वायु भी कर रही है, सूर्य भी कर रहा है, सब कुछ गतिमान है यहाँ पर। जगत इसको कहते ही इसलिए हैं, जगत शब्द का जो संस्कृत में अर्थ है उसका मतलब होता है गतिमान। तो जब सारी सृष्टि गतिमान है तो मैं अकर्मण्य कैसे हो सकता हूँ, और मेरे शरीर में भी सब काम हो रहे हैं, खून दौड़ रहा है, हार्ट पूरा पंपिंग हो रही है, किडनी अपना काम कर रही है, फेफड़े अपना काम कर रही हैं, सब कुछ गतिमान है। एक एक अणु परमाणु, आप सब चीज़ों को तोड़ेंगे, एक परमाणु है ना, वो भी गतिमान है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो गति कर रहे हैं। तो बिना गति के यहाँ, बिना कर्म के कुछ भी है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा कर्म संगी नाम अज्ञानाम। अज्ञानाम माने जिनको विचारों को अभी ज्ञान नहीं हुआ है, वो अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनमें न बुद्धि भेदम जनयेत, उनकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए विद्वान को, बल्कि क्या करना चाहिए, जोशयेत सर्व कर्माणि, उनको उन कामों में ऐसे लगाना चाहिए कि उन कामों को करते हुए ही वो उस आनंद को प्राप्त कर लें। उसकी एक ट्रिक सीखनी है बस। ना तो हम कर्म से बच सकते हैं, ना हम कर्म फल से बच सकते हैं। फल आएगा ही, और जब फल सामने नहीं होगा तो व्यक्ति कर्म कैसे करेगा। केवल एक चीज के ऊपर हमें अभ्यास करना है, उसके प्रति आसक्ति, मतलब ये हमारा दुराग्रह हट जाए कि भाई अगर मैंने इसकी भलाई की है तो ये भी मेरी वैसी ही भलाई करे, ये अपने मन में नहीं रखना है। भलाई की ना मैंने, निश्चित रूप से भलाई का बीज बोया है तो आपके जीवन में भलाई का फल आएगा, कोई रोक सकता ही नहीं है, ये नियम है। गेहूं का दाना बोया है तो गेहूं का पौधा उगेगा, सरसों बोया है तो सरसों ही आएगी। सरसों वाले पे आम नहीं आ सकता है, आम वाले बीज में सरसों नहीं आ सकती है। जैसा बीज बोया वो ही फल आने वाला है। जब आपने की भलाई है तो बुरा फल आ कैसे सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को सोच करके और अपने उन कर्मों को, क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो अन अवेयर होके कर रहे हैं, इन्हीं कामों को यदि हम थोड़ी अवेयरनेस के साथ करें, जागरूकता के साथ करें, ये विद्वान को सिखाना चाहिए कि भाई अभी आप काम कर रहे हैं राजसिक वृत्ति में। तामसिक वृत्ति से तो राजसिक वाला अच्छा है, क्योंकि तामसिक वृत्ति वाला तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो पड़ा रहता है, और राजसिक वाला कम से कम लगा तो है काम में, तो वो लगा है तो वो एक दिन सात्विक में भी आ जाएगा, और उसको सात्विक वृत्ति में लाना ये विद्वान का काम है। इसलिए इन्होंने कहा जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। और एक अगली बात और कही, केवल उनको ही ना जोड़े काम में, युक्त समाचरण, खुद युक्त होके वैसा आचरण करता हुआ, मतलब केवल उपदेश से भी लोग काम में नहीं लगेंगे, लोग बोलेंगे कि आप तो करते नहीं हो और हमें कहते हो कि काम में लगे रहो, तो आप खुद तो मुक्ति का उपाय कर रहे हो और हमें आप बंधन में डालने की शिक्षा दे रहे हो।
तो जो विद्वान योगी जितने भी हमारे यहाँ हुए, आप किसी को भी देख लीजिए, आप गुरु नानक को देख लें, महात्मा बुद्ध को देख लें, भगवान महावीर को देख लें, महर्षि पतंजलि को देख लें, वो तो ज़्यादा पुराना हो गया, महर्षि दयानंद को देख लें, जितने भी महापुरुष हुए उन सब ने अपना पूरा जीवन पूरी मानवता की सेवा के लिए लगाया, वो निठल्ले होकर के नहीं बैठे। हाँ, पहले उन्होंने प्राप्त किया उसको, तो वो भी एक कर्म था। खाली बैठ करके तो सामान्य उपलब्धियां भी नहीं होती हैं, भगवान की उपलब्धि तो बहुत ऊंची चीज है। भगवान की उपलब्धि तो कभी निठल्ले व्यक्ति को हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उसके लिए तो मतलब अपने जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, जो दोष हैं, उनको मिटाना ये कोई छोटा काम है। राग द्वेष तो ऐसे रचे बसे हैं हमारे अंदर, हमारे खून में ऐसे आए हुए हैं कि तुरंत हम मतलब वही काम करते हैं, और उसको पकड़ना और उसको हटाना बड़ी हिम्मत का काम है। ये खाली नहीं होते हैं, जो ये हम बोल देते हैं ना कि भई ये तो ऋषि ऐसे बैठे हैं, बैठे बैठे वो मन से, आप कभी कभी क्या, आप अभी बैठ करके आप 30 मिनट के लिए देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, या कभी भी आप खाली बैठ के आप ऐसे देखना कि अब मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो कितनी देर आप ऐसे रह सकते हैं? तुरंत कोई विचार आएगा और आपकी पकड़ में आएगा कि अभी तो मैं ये कर रहा हूँ। जैसे आप कहेंगे ना अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ, फिर आपको विचार आएगा कि सुबह मैंने नाश्ता किया, तो आप फिर वही काम कर रहे हैं मन से। फिर आपको विचार आएगा कि अभी तो मेरे को वहाँ कक्षा में जाना है, या कोई कोई भी विचार, आगे का या पीछे का कोई विचार आएगा, आप वर्तमान क्षण में रह नहीं सकते हैं। और एक क्षण यदि आप रह गए ना, तो उस आनंद को फिर आप भूल नहीं सकते हैं, एक एनर्जी मिलती है उससे। तो व्यक्ति को कभी भी कहीं भी किसी को पता नहीं लगेगा, आप क्लास में खड़े खड़े भी एक क्षण के लिए आप ऐसे स्थिर हो जाएं, बस आप खाना खाते खाते एक क्षण के लिए अपने स्वरूप में हो जाएं, बस उसको देखें जस्ट दृष्टा भाव से, उतने में ही घटनाएं घट जाती हैं। तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना है, कोई व्यक्ति हमें ये कह भी रहा है तो वो व्यक्ति अपना व्यू दे रहा है, उसकी ऐसी मान्यता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सत्य है। हर व्यक्ति के अपने व्यू हैं, तो ठीक है जो हमें ऐसे कह रहा है तो ठीक है जी, आप अपने जीवन में ऐसे रह सकते हैं तो आप रहें, लेकिन मेरी स्थिति वैसी नहीं है, मुझे तो काम करना है, मुझे तो अपने काम को ही पूजा बनाना है, मुझे तो अपने इस काम के द्वारा ही उस पार जाना है, और काम के बिना कोई रह नहीं सकता है। तो कभी भी अपने मन में ये ग्लानि व्यक्ति को नहीं लानी चाहिए। लोग बोलते हैं अरे ये सब जो घर गृहस्थी लोग हैं ना, ये तो ऐसे ही आते जाते रहेंगे, ये ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह मरते रहेंगे, और जो बड़े गुफाओं में बैठे हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, वो लोग मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा बुद्धि भेद कभी भी विद्वान को नहीं पैदा करना चाहिए, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हम अपने कामों को ही कैसे भगवान के अर्पित कर सकें, कितना सुंदर उसको बनाएं, ये हमारी शरीर से पूजा है। श्री अरविंद ने 3 शब्द बोले हैं कि हम भगवान की पूजा कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा शरीर से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, विचार से कर सकते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये हमारी शरीर से पूजा है भगवान की, कोई भी काम कर रहे हैं हम। यही बात कबीरदास जी ने भी कही, खाना भी खा रहे हैं तो उन्होंने अपना खाना खाने को भी क्या बना दिया, बोले ये मैं अर्प भोग लगा रहा हूं आपको, अब भोग लगाने कहाँ जाऊं, आप अंदर बैठे हो और ये आपकी मूर्ति आपने बनाई है, मैंने तो बनाई नहीं, मेरा शरीर मैंने थोड़ी बनाया है। आप कहेंगे ये शरीर तो माँ ने बनाया, माँ को तो पता भी नहीं क्या बन रहा है अंदर, ये तो भगवान ने बनाया है।
अगर माँ ने बनाया होता तो माँ कम से कम रिपेयर तो कर देती। जो जिस वस्तु को बनाता है वो उसकी रिपेयरिंग कर देता है। जिसने मकान बनाया, मकान कहीं टूट फूट गया तो मिस्त्री को बुलाते हैं ना। लेकिन माँ ने अगर शरीर बनाया होता तो जिस समय बच्चा रोगी होता है तो डॉक्टर के पास थोड़ी जाती, खुद ही रिपेयर कर लेती। लेकिन माँ को नहीं पता ये कैसे चल रहा है सिस्टम। माँ निमित्त बनी है, बनाया किसी और ने है, माँ को तो खुद ही नहीं पता अंदर क्या बन रहा है। तो ये बनाने वाली कोई शक्ति और है, कर्म करने वाली शक्ति। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि भई ये मूर्ति आपने बनाई है, तो इसको जब मैं खाना खिला रहा हूँ तो मैं आपको ही भोग लगा रहा हूँ। लेकिन इसमें कभी व्यक्ति को अपने अहंकार को पोषित करके डाउट में नहीं रहना चाहिए। ये भी संभावना है, पूरी संभावना है। कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान ही समझने लगता है, फिर उसको अनुभूति हुई नहीं और उसने मतलब ऐसे सोच लिया, बोले मैं तो खुद ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। उसका पूरा पता लगेगा जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान होगा, जिस दिन उसको आत्मानुभूति होगी, तो उसको ऐसे ही पता लगेगा जैसे सूरज उगने के बाद हमें पता लगता है कि सूरज उग गया। तो हम पूछते हैं कि सूरज उगा कि नहीं उगा, ऐसे थोड़ी ना पूछते हैं, दिख ही रहा है ना। कभी कभी लोग ऐसे पूछते हैं, बोल जी मैं ध्यान में बैठा था और फिर मेरे को बैठे बैठे बस ना, तो मैं नींद में था और मेरे को ऐसा आनंद सा आया और एक प्रकाश सा हो गया, तो यही आत्म साक्षात्कार था या कुछ और था? ये डाउट है तो वो आत्म साक्षात्कार नहीं था। ये प्रकृति के पंचभूतों के कभी कुछ आएगा सामने, कभी कुछ आएगा। आत्म साक्षात्कार जिस दिन होगा उस दिन कोई डाउट नहीं होगा। आपके पेट में दर्द होता है और गोली लेने के बाद ठीक हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि दूसरे से पूछते हो कि जी मैंने गोली ली थी तो मेरा पेट दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? दूसरे से पूछते हैं क्या? खुद को पता चलता है कि अब बिल्कुल ठीक है। तो वो अनुभूति खुद को होगी, दूसरे से, गुरु से पूछने की जरूरत नहीं है जी मुझे ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ हो रही हैं, तो क्या यही आत्म साक्षात्कार है या कुछ और है? ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय। तो भाई प्रदीप जी, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि जी अपने विकास के लिए तो आज तक कुछ किया ही नहीं, जो भी कर रहे हैं। और इसमें जैसे आज हमें ये पता लगा, गीता का श्लोक हमने पढ़ा, और कल हम कहेंगे कि जी हमारा तो वैसे ही चल रहा है काम, कुछ अंतर तो नहीं आया। सोचते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं हम, तो ये तो खास कुछ चेंज नहीं आया। तो इसके लिए भी देखो, पहले स्वामी जी महाराज भी ये शब्द बोलते हैं और बहुत संतों ने भी बोले। सबसे पहले होता है एक विचार, मति। पहले तो हमारी मति में आती है कोई चीज, फिर उसके बाद आती है कृति में। मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, संस्कृति, पांच शब्द बोलते हैं स्वामी जी। पहले कोई चीज आती है हमारी मति में, हमारे दिमाग में तो आए कि भी आज से काम हमें अलग ढंग से करने हैं, यह है मति। इसी को ही ज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद वो आती है भक्ति, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि भई ये मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो उसी को कहेंगे भक्ति, उस अपने विचार के प्रति एक श्रद्धा होना। तो मति, भक्ति, फिर होता है कृति, फिर हम उसको करने लगते हैं। लेकिन करने लगते हैं तो बहुत बार फेल होंगे। साइकिल चलाना सीखा तब एक ही दिन में आ गई थी कि कई बार हाथ पैर टूटे फूटे, कई बार एक्सीडेंट किए, किसी में घुसा दिया, कहीं दीवार में घुसा दिया, कितने अनुभव हैं। कभी लहू आ गया, कभी हैंडल टूट गया, तो हर व्यक्ति के अलग अलग अनुभव मिलेंगे। मेरे भी कई सारे अनुभव हैं। नई नई साइकिल हमने सीखी और फिर गांव से नारनौल पड़ता है हमारे लगभग 5, हमारा जो कॉलेज था लड़कियों का 6 किलोमीटर पड़ता है, तो मार्केट से जाना होता था। तो एक दिन जिस गली से जा रहे थे तो वहाँ हलवाई जलेबी बना रहा था, हमने सीधी उसकी कढ़ाई में ही साइकिल मार दी। तो
तो फिर वो भला आदमी था, खैर उसने बेचारे ने संभाला साइकिल भी। बोले बेटा पहले अच्छे से सीख लो तब चलाना, पहले सीख तो लो अच्छे से। हम नए नए गए थे, एक दिन कोई व्यक्ति कोई गिलास लेके जा रहा था दूध का, पीछे से उसके अंदर ही घुसा दिया। वो व्यक्ति भी गिर गया, गिलास का दूध भी गिर गया। फिर एक दिन कोई वो सफाई करने वाले, जो मेहतरानी होती है सफाई करने वाले, उसके हाथ में झाड़ू थी, सिर पे परात थी, उसमें जाके घुसा दिया। उसने इतना डांटा और हम जल्दी से उठा के साइकिल भाग गए आगे। तो बोले वापस तो इधर से ही आओगी ना। उस दिन मतलब पूरा कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया, 4 बज गई। हमारे पीरियड ख़त्म हो जाते थे 2 बजे ही, तो हम मतलब प्रायः 2 बजे वापस आते थे। उस दिन इतना डर लगे कि जाएंगे तो पूरी फौज खड़ी मिलेगी, पता नहीं माता क्या करेगी आज। तो 4 बजे तक जब तक और लड़कियां आ गई, तो बोले आज तो गई नहीं। मैंने कहा नहीं, आज आपके साथ ही जाना है। मैंने सोचा सारा गैंग साथ होगा तो कुछ तो बचाव होगा। तो बड़े डरते डरते वहाँ से आए, खैर वहाँ कोई नहीं मिला। उसने बेचारी ने डांट डूट के शांति, भाई वो तो गई। पर हम मतलब बच्चे ही थे, 11वीं में, ज़्यादा बड़े तो थे नहीं। तो कितने अनुभव हैं, साइकिल चलानी एक दिन में थोड़े ना आती है। तो ये जो कर्म से कर्म योग में प्रवेश कर रहे हैं, अभी तक जो हम ऐसे ही कर्म कर रहे थे, उसको अब पूजा भाव से, अच्छे भाव से करना, एक दिन में थोड़े ना हो जाएगा। तो ये हमारे अंदर मति आ गई, भक्ति भी आ गई, लेकिन कृति में कई बार फेल होंगे। पहले होती है मति, फिर भक्ति, फिर कृति, और वो कृति करते करते फिर बन जाती है प्रकृति। फिर वो साइकिल चलाते चलाते उसके बाद इतना अभ्यास हो गया कि हम बात भी करते थे, बचा भी लेते थे, एकदम ब्रेक लगा लेते थे, एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। 1 साल के बाद कितनी भीड़ से लेके जाएं, बल्कि आनंद हो रहा था। तो फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता, जैसे हमारे शरीर के स्वभाव नहीं बन जाते। कुछ व्यक्ति कुर्सी पे बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, तो ये क्या हो गया, शरीर का स्वभाव हो गया, उसको पता भी नहीं चलता है। कभी व्यक्ति बैठे बैठे वो कागज़ फाड़ते रहते हैं, या ज़मीन में बैठे बैठे कुछ ना कुछ, कोई फूल है तो उसको तोड़ते रहेंगे, तो ये क्या है, शरीर का अभ्यास, स्वभाव। ऐसे ही मन का भी स्वभाव हो जाता है, वो जो भी काम करेगा ना, उसको उसी समय ईश्वर के अर्पण कर देगा, और उसका स्वभाव हो जाएगा। वो कोई भी काम करेगा, वो गंदा काम कर सकता ही नहीं है। वो बर्तन भी साफ करेगा ना, तो जब तक उस बर्तन को चमका ना दे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो कपड़े भी धोएगा, तो जब तक कपड़े में कोई एक भी दाग है, मैल है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो घर में भी रहेगा, तो सब चीज़ें कहीं भी डस्टिंग हो, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। आजकल तो मैं देख रही हूँ, हमारे सफाई वाले जो भाई हैं, बड़े जागरूक हो रहे हैं। मैं वहाँ सीढ़ियों से चढ़ती थी ना, तो वो जो पाइप है, रेलिंग लगी है, आज मैंने उसमें हाथ लगा के देखा, थोड़ी भी डस्ट नहीं है। कहीं कैसे इतना चेंज, सीढ़ियाँ भी चमचमा रही हैं पूरी, फर्श भी। फिर ऐसा करते करते व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, फिर तो फिर वो खराब कर ही नहीं सकता है उस काम को। तो ऐसे कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो जो भी काम करेंगे ना, उसको पूरा परफेक्ट करेंगे। आप पढ़ा रहे हैं, तो जब तक आप वो विषय उस विद्यार्थी के अंदर उतार ना दें, तब तक आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। आप कोई कहीं इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो कहीं भी कुछ टेढ़ापन है, कुछ देखने में अच्छा नहीं है, तो आप उसको 5 बार उखाड़ करके दोबारा करेंगे। तो हमारी पहले होती है मति, फिर होती है भक्ति, फिर होती है कृति, फिर वो बन जाती है प्रकृति। और बहुत सारे लोगों की जो प्रकृति है, वो ही बन जाती है संस्कृति। हम बोलते हैं ना, हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति ऐसी है, हम हिंदुओं की संस्कृति ऐसी है। तो ये संस्कृति क्या है, उन लोगों ने मिलकर के जैसा जीवन जिया, वो हमारी संस्कृति बन गई। सब लोगों ने मिलकर के ऐसे ही सेवा भाव से जीवन जिया, अहिंसा का जीवन जिया, करुणा का जीवन जिया, तो वो हमारी संस्कृति बन गई। हम कहते हैं भाई हमारे पूर्वज तो ऐसे जीते थे। तो हमें
इसका ये अभिप्राय मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको ध्यान नहीं करना है, उपासना नहीं करनी है, आपको जाप नहीं करना है। वो भी वो करेंगे तब ही हमारे काम पूजा बन पाएंगी। तो कोई ये ना सोचे कि भई ये तो आप तो भक्ति भाव का पूजन का खंडन कर रहे हैं। खंडन नहीं किया जा रहा है, वो भी करना है, लेकिन इतने मात्र से 1 घंटे का ध्यान या 1 घंटे की पूजा 23 घंटे के कर्म के ऊपर बहुत हल्की रह जाएगी। मतलब ये ऐसा ही है कि किसी पौधे को सुबह तो आपने गंगा जल से सींचा और दोपहर में उस पर तेजाब डाल दी, तब पौधा जलेगा कि फलेगा? सुबह सुबह तो ध्यान किया और दिन भर काम करते समय ध्यान रहा ही नहीं, तो सुबह वाला ध्यान कितना बचाएगा हमें? वो तो बहुत हल्का रह जाएगा। फिर सुबह वाले ध्यान को और 1 घंटा आगे बढ़ाएं कि इस ध्यान से उठा हूँ तो अब जो काम करूँगा उसमें भी ध्यान ही बना रहेगा। 1 घंटा शुरू में नहीं होगा, 5 मिनट बनाएं, 2 मिनट बनाएं, उसको आगे बढ़ाएं थोड़ा थोड़ा, और फिर दिन में जब याद आ जाए, ये तो टॉनिक है हमारे लिए। सुबह शाम तो खाना खाते ही हैं, पर बीच में कभी स्वामी जी भेज दें, कोई जूस भेज दें, तरबूजा भेज दें, खरबूजा भेज दें, तो वो भी तो ले लेते हैं ना, टॉनिक है भाई ये भी, कभी एलोवेरा ले लेते हैं। तो ऐसे जब भी ये याद आ जाए, 1-2 काम तो चुनने हैं जो मैंने कल होमवर्क दिया था लेकिन आज टाइम हो गया, मैं पूछ नहीं पाई, तो बच गए आप, तो कोई बात नहीं, कल और करके आना, अच्छी बात है। तो ऐसे कुछ काम तो हमें शुरू में चुनने हैं, और वो दूसरे को बताने के लिए नहीं, और वो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, वो मेरे अपने लिए हैं और उससे मुझे सुख मिल रहा है। तो ऐसे हमें कुछ काम चुन के तो ध्यान रखना ही है, उनको तो पूजा भाव से करना ही है, फिर दिन में जब कभी भी याद आ जाए, और फिर एक बार मन की वो रिकॉर्डिंग बन जाती है ना, तो फिर वो मन बार बार टिक टिक करके हमें याद दिलाएगा। तो आज तो केवल प्रदीप जी के एक प्रश्न के उत्तर में ही पूरा 1 घंटा लग गया, शेष जो प्रश्न बचे हैं इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। और ये जो श्लोक मैंने बताए 3रे अध्याय का 25, 26 और 20, इनके बारे में आपको टाइम मिले तो आप इस पुस्तक में भी पढ़ें तो और ज़्यादा हमारा पक्का हो जाएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः। हे प्राणी।
पी।